अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज दिल पसंद फूड जोन आपके लिए लेकर आ रहा है रमजान स्पेशल बहुत मजेदार शहनशाही दाल माश के दही बल्ले। इसकी रेसिपी जानने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट अपडेटेड विद माय न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट्स रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल माश के आज हम दही भल्ले बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले लिए एक कप माश की दाल, जिसको मैंने 2 to 3 hours के लिए सोक कर लिया है। और अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये जितना अच्छा भिगोएंगे, जितना ज़्यादा ये उतने ही फ्लफ़ी बनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड है, हमने पानी की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्रीमी पेस्ट बनाना है। अभी हम ऐड करते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें हमारी दाल अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है, देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है और ये ना ज़्यादा थिन ना ज़्यादा थिक, इसका टेक्सचर हमारा इसी तरह होना चाहिए। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने इस बैटर को ये विस्क करना है थोड़ा सा, ताकि इसमें से एयर अच्छी तरह पास ऑन हो और हमारे फ्लफ़ी बनेंगे इस तरह दही बल्ले। ये दिस इज़ द टिप, तो हम इसको 2 to 3 minutes इसको हैंड विस्कर से विस्क करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द नट्स। ये मैंने कैश्यू नट्स लिए हैं, रफली चॉप्ड हैं, तो ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर देते हैं। हम कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं आप, और अगर आपको नहीं पसंद यू कैन स्किप द ड्राई फ्रूट्स एज वेल, तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। दिस इज़ अ रमज़ान स्पेशल दही बल्ले। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ फ्राइंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, अब मैंने ये लोअर मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल हीट किए, इसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बना के इसमें डालने हैं। आप स्पून यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छे डलते हैं, इसलिए आई एम यूजिंग द हैंड्स। ये मैंने 2 to 3 minutes एक साइड से कुक कर लिए हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें दिस इज ऑलमोस्ट डन फ्रॉम दिस साइड। ये फोक की हेल्प से करना है ताकि हमारे दही भल्ले दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक हो जाएं। देखें बहुत ही फ्लफ़ी बन रहे हैं, वेरी इजी रेसिपी फॉर द रमज़ान। अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा प्यारा गोल्डन ब्राउनिश कलर आ गया, ये अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब मैंने इसका बर्नर थोड़ा सा तेज़ किए ताकि इसमें और थोड़ा सा कलर आ जाए। नाउ दिस इज़ रेडी टू बी डिश्ड आउट। फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हमने एक बोल में ये सादा पानी लिया है ताकि हमने इसको दही बल्लों को सोक करना है। इसमें मैंने ये 1 teaspoon सॉल्ट डाला है, इसको हमने मिक्स करना है। और हमने ये जो फ्राइड भल्ले हैं वो हम पानी में डालेंगे, 1 minute के लिए भिगोएंगे, फिर हमारे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। अब हम इसको ये सॉल्टेड वाटर में ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाइक दिस। इसको अब हम 1 minute के लिए सोक करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें हमारा ये सोक हो गए हैं, अब इसमें सारा एक्सेस ऑयल निकल के इसको हमने बिल्कुल हल्के हाथों से स्लाइटली प्रेस करना है कि इसमें जो पानी है वो निकल जाए, लाइक दिस। अब ये देखें हमारे दही भल्ले बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम आधा घंटा रेफ्रिजरेट करेंगे और फिर हम इसका योगर्ट रेडी करके हम इसमें डालते हैं ये भल्ले अपने। ये देखें हमारे भल्ले हमने हाफ आवर रेफ्रिजरेट कर लिए हैं। अब ये योगर्ट लिए मैंने, ये 1 kg ऑफ योगर्ट है। अब इसमें 3 tablespoons हमने शुगर ऐड किए, ये थोड़े से मीठे बनते हैं। और इसमें मैंने 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट ऐड किए, विच यू कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। अब हम इसको अच्छे तरीके से हैंड विस्क करेंगे जब तक चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, उसमें मिक्सअप हो जाए, लाइक दिस। ये देखें हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया इसमें। अब हमने इसमें भल्ले ऐड करने हैं। ये देखें हमारे भल्लों में कोई किसी किस्म की वो नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं, कोई गुठली नहीं है इसमें, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। अब हम ये सारे ऐड करेंगे। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है।
और इन द लास्ट आई एम गोइंग टू गार्निश विद दही बड़ों का मसाला, जिसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये पापड़ी, दही बड़ों का मसाला, इमली की चटनी, दीज आर द मेन इन दही बल्ले। नाउ दिस इज रेडी टू बी सर्व फॉर बेस्ट अवतार। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉट टुडेज़ रेसिपी, शहनशाही दाल माश के भल्ले इज़ रेडी टू बी ईट। बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट अपडेटेड विद माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। इसके साथ ही मुझे ये नातिफ़ु दिलपसंद फूड जोन की तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।